6 सितंबर को एकादशी आ रही है, अजा एकादशी। ये बहुत महत्वपूर्ण पूजनीय एकादशी होती है, जिस दिन आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप लगन के साथ, श्रद्धा के साथ इस एकादशी का व्रत उपवास करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस दिन अपने निवास पर चावल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि चावल इस दिन यदि नहीं बनाते हैं तो किसी तरह का अपशकुन नहीं माना जाता है। घर में पूजा कीजिए और अच्छे ढंग से एकादशी मनाइए। केलों का दान करना चाहिए, यानी केले लेकर दान कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और भी जो दान आप करना चाहें आपको लाभ मिलेगा। इस दिन शनि भी मार्गी हो रहे हैं, धनु राशि में शनि मार्गी हो रहे हैं। जब शनि मार्गी होते हैं तो बहुत अधिक लाभ होता है। तो एक तो लाभ शनि के मार्गी होने का होगा, दूसरा एकादशी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी। तो आपको लगन के साथ सब बातें सुननी चाहिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखें और फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि शनि भी धनु राशि में मार्गी हो रहे हैं। मार्गी क्या होता है? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे वक्री क्या होता है, मार्गी क्या होता है। मार्गी होता है सीधी चाल। अब शनि सीधी चाल चलेंगे तो बहुत सारे योग भी बन जाएंगे और मैं समझता हूं कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। 12 राशियां खुशी से ही भरेंगी। वो बात अलग है कि 5 राशियां विशेष तौर से लाभ उठाएंगी, लेकिन फिर भी सभी राशियों को लाभ मिलेगा। एक तो आप 6 तारीख को केले तो दान करेंगे ही। शनि के लिए सरसों का तेल, लोहे का कील, काला कपड़ा, नारियल, नारियल काला कपड़ा, माँ की दाल काले रंग की दाल, नारियल काला कपड़ा, माँ की दाल, लोहे का कील और सरसों का तेल, ये आप शनि मंदिर में चढ़ा दें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं तो आप पर शनि की विशेष कृपा रहेगी और एकादशी भी है तो आपको और अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो ये दान अवश्य कीजिए। इस दिन आपने क्या करना है, 2 लौंग और 2 तुलसी के पत्ते, 2 लौंग और 2 तुलसी के पत्ते लीजिए। एक एक लौंग को एक एक तुलसी के पत्ते में लपेटकर ऊपर से लाल मौली से धागे से बांध दीजिए। बांधकर अब आपने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में पकड़ लेना है और ओम वासुदेवाय भगवते नमः, ओम वासुदेवाय भगवते नमः, ओम वासुदेवाय भगवते नमः, ये आपने जाप करना है। या फिर राधे कृष्ण का जाप करना है, या फिर श्री रामचंद्र जी का जाप करना है, या फिर साईं साईं बोलिए, वाहे गुरु बोलिए। कहने का मतलब है जिस भगवान को आप मानते हैं उसका जाप कीजिए। तो क्या होता है कि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो विशेष रूप से लाभ होगा। हम क्या करते हैं कि हम रटे रटाए मंत्र बोलते हैं, जैसे ओम वासुदेवाय भगवते नमः, ये मेरा अपना मंत्र है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने तरीके से इसको जाप करता हूँ। अब यदि कोई वाद विवाद करे इसको ऐसे नहीं ऐसे करे तो वो बात अलग है, क्योंकि मैं अपने तरीके से, मेरे को शांति मिलती है, मुझे प्रेम मिलता है। अब कोई साईं राम बोलता है, कोई साईं श्याम बोलता है, कोई नानक साईं बोलता है, कोई अकेला साईं बोलता है, ऐसे हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जाप करने के लिए स्वतंत्र है। तो आप प्रेम पूर्वक जाप कीजिए और फिर उन दोनों को, यानी जो वो आपने तुलसी का पत्ता और लौंग हाथ में पकड़े हुए थे, फिर आपने लॉकर में रख दें और वहीं पड़ा रहने दें। अब आप कहेंगे कब तक पड़ा रहने दें, जब तक आपको लाभ चाहिए पड़ा रहने दीजिए। यदि उठाना चाहते हैं तो एकादशी को फिर ऐसे ही नए बनाकर रख दें और पुराने उठाकर जल प्रवाह कर दें, इसका ये नियम होता है, वरना वहीं पड़ा रहने दें। इस प्रकार से आपको लाभ होता रहेगा। क्योंकि एकादशी का दिन जब इस प्रकार से कोई ग्रह
मार्गी होते हैं तो विशेष रूप से लाभ मिलने शुरू होते हैं, क्योंकि विशेष दिन से ये शुरुआत हो रही है, तो इसका अर्थ है कि विशेष रूप से सभी को लाभ मिलेगा। तो आप इस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको बताया ये कीजिए, और दूसरा सुपारी ले लीजिए एक, यदि आपने यादा करना है तो सुपारी पर आप अधिक से अधिक अपने भगवान अपने इष्ट का नाम सिमरन कीजिए, इससे विशेष शक्तियां उसमें समा जाएंगी। उस सुपारी को अपनी जेब में रखा कीजिए तो फिर आप देखेंगे आपको बहुत लाभ होगा। ये विशेष दिन होते हैं जो मेरी कोशिश है कि मैं आपको बताता रहूं। कल क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं तो शनि एक अपना प्रभाव शुरू करेंगे तेजी से, तो जैसे गाड़ी चलती है तो धक्का कहीं पर लग जाता है, इसलिए मैंने उपाय बताया कि नारियल काला कपड़ा, माँ की दाल, सरसों का तेल, लोहे का कील शनि मंदिर में चढ़ा दें ताकि आपको विशेष प्रकार से कोई संकट ना आए और स्मूथली लाइफ चलती रहे और आपको लाभ मिले, क्योंकि वैसे तो ये लाभ देंगे परंतु झटका ना दे दें, इसलिए यहाँ पर ये उपाय मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है आपके लिए। अब मैं इजाजत चाहूँगा, आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक जरूर करें, यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका मेरा रिश्ता बन जाएगा। यदि आपका कोई सवाल है, यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन मत करें, कृपया फोन नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है 9814450802 पर, 9814450802 इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, फोन मत कीजिए। तो आप इजाजत दें, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।